गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, EVS में आज हम चैप्टर 3 करेंगे, लिविंग टुगेदर। पिछले चैप्टर में हमने फैमिली के बारे में पढ़ा था। अब फैमिली है तो सब मेंबर साथ में रहेंगे, तो आज हम लिविंग टुगेदर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे साथ रहते हैं, साथ रहने से मतलब क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी फैमिली से मिलती है, क्या अलग होती है, सब हम पढ़ेंगे। द फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर एवरी चाइल्ड एंड द मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। जो हमारी फैमिली होती है, परिवार, वो हमारा एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है। उसको सारे संस्कार सबसे पहले अपने परिवार से मिलते हैं और उसकी जो माँ होती है उसकी पहली टीचर होती है। जो स्कूल की टीचर है वो बाद में मिलती है उसको, सबसे पहले उसकी माँ उसको सिखाती है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ। व्हेन ए चाइल्ड बॉर्न इट इज़ टू स्मॉल टू डू एनीथिंग ऑफ इट्स ओन, इट नीड्स 24 आवर्स केयर। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसे 24 घंटे केयर की जरूरत होती है। ग्रेजुअली इट ग्रोज एंड स्टार्टेड टू लर्न थिंग्स, इट लर्न्स हाउ टू वॉक, टॉक, ईट एंड सो ऑन। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है वो सब कुछ सीखने लगता है। लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया एक लगातार प्रक्रिया होती है। बच्चा समय के अनुसार सीखता रहता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। वी लर्न द हैबिट्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, और जो हम अपने परिवार से ही आदतें सीखते हैं, जैसे कुछ परिवार में नॉन वेज खाते हैं, कुछ परिवार में नहीं खाते हैं, तो ये सब आदतें परिवार से हमें मिलती हैं। देयर आर मैनी थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी लर्न एंड देयर आर मैनी थिंग्स विच वी हैव टू लर्न इन द अपकमिंग टाइम। अपकमिंग टाइम मतलब आने वाला। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम अभी सीख रहे हैं, कुछ हम आने वाले टाइम में सीखेंगे जैसे जैसे समय बदलेगा। स्वस्टी इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, शी इज़ वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, हर फादर इज़ एन इंजीनियर। स्वस्ति जो है क्लास 4 की स्टूडेंट है और वो मैथ्स में बहुत अच्छी है। उसके पापा जो एक इंजीनियर हैं, ही टीचेस हर मैथमेटिक्स व्हेन ही कम्स बैक होम। हर मदर इज़ ए टीचर ऑफ मॉरल साइंस, उसके पापा इंजीनियर हैं और जब भी वो घर आते हैं तो उसको मैथ पढ़ाते हैं। और उसकी मम्मी जो है वो क्या है, मॉरल साइंस पढ़ाती है, मतलब नैतिक विज्ञान। शी टॉट हर टू ग्रीट अदर्स, वो उसको सिखाती कि कैसे अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई घर पे आए तो उसको कैसे वेलकम करना चाहिए, हमें कैसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये सब कुछ वो उनको सिखाती है अपनी बच्ची को। दैट मेक हर ए गुड एंड लवेबल गर्ल, और इन सब चीज़ों की वजह से वो एक बहुत संस्कारी लड़की बन गई है जिसको सब प्यार करते हैं, क्योंकि वो सबका बहुत अच्छे से ग्रीट करती है। हर पेरेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ बुक्स, उसके जो पेरेंट्स हैं वो किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन। देखिए, जो हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमारी सब तारीफ करते हैं, ऐसे ही बच्चे अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो सभी बोलते हैं देखो बच्चा कितना अच्छा है, इसमें कितने अच्छे मैनर्स हैं। उसके जो पेरेंट्स हैं वो किताबों के बहुत शौकीन हैं। दे हैव देयर प्राइवेट लाइब्रेरी वेयर स्वस्ति लाइक्स टू डू पेंटिंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स। शी हैज़ मेड मैनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, और उसके स्वस्ति जो है उसको पेंटिंग करना पसंद है और उसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग है। वर्किंग इन द फैमिली, परिवार में कौन कैसे काम करता है। डिफरेंट वर्क्स हैव टू बी परफॉर्म्ड इन ए फैमिली, परिवार में अलग अलग तरह का सबका काम अलग होता है, कोई कुछ काम करता है कोई कुछ। स्वास्थ्य मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, दे अर्न मनी फॉर रनिंग देयर फैमिली, उसके मम्मी पापा दोनों ही काम करते हैं, परिवार के लिए पैसे कमाते हैं। हर मदर मैनेजेस द हाउस एंड ऑल्सो कुक्स फूड वाइल हर फादर गोज़ टू द मार्केट फॉर बाइंग कॉमन थिंग्स ऑफ डे टू डे यूज़। उसकी मम्मी जो है घर खाना भी बनाती, घर का काम भी करती, और पापा नौकरी भी करते हैं और घर का सामान भी लेके आते हैं रोज़ की ज़रूरत का। स्वस्ति लेज ए हेल्पिंग हैंड इन देयर वर्क्स, और जो स्वस्ति वो भी उनकी मदद करती है अपने मम्मी पापा की काम में। शी हेल्प्स हर मदर इन द किचन एंड अदर हाउस होल्ड वर्क्स, मम्मी की किचन में मदद करती और वैसे भी। इन हर फैमिली हर पेरेंट्स टुगेदर मेक्स ए डिसीज़न, और उनके परिवार में जो उनके पेरेंट्स हैं मम्मी पापा दोनों इकट्ठा बैठ कर कोई भी बात का निर्णय लेते हैं मिलजुल कर। रचित लिव्स विद
हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अब एक लड़का है रजित, ये अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहता है। हिज फादर ओन्स ए मेडिकल स्टोर, ही हैज़ टू बी एट द स्टोर वाइल डे टिल लेट नाइट। उसके जो पापा हैं वो एक दवाई की दुकान चलाते हैं और रात को लेट घर आते हैं। सो ही इज़ अनेबल टू डू अदर वर्क्स, देयर फॉर रचिज ग्रांड फादर परफॉर्म द वर्क्स रिलेटेड टू द मार्केट एंड ऑल्सो हेल्प हिज सन इन रनिंग द स्टोर। और उनके पापा को टाइम नहीं मिलता क्योंकि वो रात को लेट आते, इसलिए उनके दादाजी सारा मतलब बाहर का सामान लाना ये सब काम करते हैं और दुकान में ही मदद करते हैं उनकी। रचित ग्रांड मदर एंड मदर मैनेजेस द हाउस एंड टेक केयर ऑफ द होल फैमिली। उसकी दादी और मम्मी पूरे घर का काम संभालती हैं। व्हेन रचित ग्रांड पेरेंट्स फील अनवेल, जब उनके दादा दादी बीमार हो जाते हैं, हिज मदर एंड ही टुक देयर बेस्ट केयर एंड गेव देम मेडिसिन ऑन टाइम। रचित पेरेंट्स मेक एनी डिसीजन विद द एडवाइस ऑफ हर हिज ग्रांड पेरेंट्स। यहाँ तक हम पढ़ेंगे, मतलब वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो दादा दादी के से ही मिलकर बातें करके वो सारा निर्णय लेते हैं। मम्मी पापा का खुद का वो नहीं, मतलब अपने से बड़े अगर हमारे घर में हैं तो उनसे पूछ के हम कोई निर्णय लेते हैं। यहाँ तक आज हमने पढ़ा है, बाकी का हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अभी इसकी वर्कशीट करेंगे पहले वर्ड मीनिंग। लिविंग रहना, लर्न सीखना, कंटिन्यूस लगातार, प्रोसेस प्रक्रिया, अपकमिंग आने वाला, सिमिलर एक समान, मॉरल नैतिक, वियरस जहाँ पर, डे टू डे लाइफ हर रोज़, डे टू डे हर रोज़, यूनिट इकाई। इसके बाद डिफाइन करनी है फैमिली वैल्यूज़। फैमिली वैल्यूज़ क्या होती है? फैमिली वैल्यूज़ आर द थिंग्स विच आर कॉमन टू फैमिली मेम्बर्स, जो परिवार में सब में सेम होती है, कॉमन होती है। नेमिंग सेरेमनी, नामकरण की जो होती है ना रस्म, कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका नाम रखते हैं कि किस नाम से रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा। ए सेरेमनी इन विच ए न्यूबॉर्न बेबी इज ए गिवन ए नेम। इसके बाद हाउस वार्मिंग सेरेमनी क्या होती है? ए सेरेमनी टू सेलिब्रेट वंस फर्स्ट एंट्री इनटू ए न्यू हाउस। किसी कोई है मतलब मेहमान या कोई भी सदस्य जिसकी हमारे परिवार में पहली एंट्री होती है तो उसके स्वागत में हम ये करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, हाउ फैमिली मेम्बर्स आर सिमिलर इन मैनी थिंग्स। फैमिली मेम्बर्स आर सिमिलर इन मैनी थिंग्स, देयर फिजिकल फीचर्स, वे ऑफ टॉकिंग एंड बिहेविंग मे रिजेंबल। उनकी ये सब चीज़ें जैसे शारीरिक बनावट, बोलने का तरीका, ये सब मिलती हैं। हाउ फैमिली मेम्बर्स आर डिफर इन मैनी थिंग्स टू, और वो अलग अलग कैसे होते हैं? फैमिली मेम्बर्स आर डिफर इन मैनी थिंग्स, सम आर चिल्ड्रन, सम आर यंग एंड सम आर ओल्ड। मतलब कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ जवान होते हैं, और खाने पीने का तरीका भी सबका अलग होता है। हाउ डिफरेंट फैमिलीज आर डिफरेंट इन वैल्यूज़, वैल्यू में कैसे डिफरेंट होते हैं वो? फैमिली वैल्यूज़ चेंजेस विद टाइम इन ऑल फैमिलीज, द चेंज डिपेंड्स ऑन रिलीजन, एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए फैमिली एंड सो ऑन। इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है फैमिली का, कैसी फैमिली, उसका स्टेटस क्या है, उनके परिवार निम्न वर्ग का है या उच्च वर्ग का है। हूज हेल्प डू यू टेक टू प्लान समथिंग, इसका आंसर आप खुद से करेंगे। आप कोई भी योजना बनाते हैं किसी काम की तो आप किसकी मदद लेते हैं घर में? मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, दादा की, दादी की, या किसकी लेते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। थैंक यू।